ये हरियाणवी फर्स्ट टेक्सटाइल फैब्रिक है। हरियाणवी क्या, इनफैक्ट जब से लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया इंडस वैली सोसाइटी के टाइम से हम लोग वेयर करते हैं। कॉटन तभी से होता था, कॉटन के साथ इंडिगो होता था, तो इंडिगो को कॉटन के साथ बाटर करके डाई करके हम लोग फैब्रिक्स बनाते थे। सडनली पुराने जैसे हमारी दादी नानी के पड़दादी के गारमेंट्स थे, उन्हें देख के क्यूरियोसिटी हुई कि ये कपड़े ऐसे कैसे किस फैब्रिक्स के हैं। उसके बाद फिर सर्च किया तो पता चला कि अप्रोक्स 150 साल पहले ये गारमेंट्स, ये इंडस्ट्री ही लॉस्ट हो गई है। कोई भी नहीं बचा कि भाई इसको पहनता हो, पहन तो कोई भी नहीं रहा था। इनफैक्ट धीरे धीरे ना पहनने की वजह से वो ख़त्म हो गया इंडस्ट्री। फिर अपना दादी का गारमेंट्स था जिसे हम खारा बोलते थे, हैंड स्टिच होता था, हैंड स्पन था, उस पर हमने रिसर्च किया। फिर और दो तीन लोग थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया हरियाणवी टेक्सटाइल के बारे में। धीरे धीरे मेरे को 1 साल लगा पूरा रिसर्च वर्क करने में, फाइनली हम इसको रिवाइव कर पाए हैं। इस फैब्रिक का नाम रेजा है, कई जगह इसे ड्योटी या चोशे भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके जो मेन गुण मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, यानी आप इसको प्रोसेस करेंगे तो आपके बाकी के फैब्रिक्स बनते हैं। फर्स्ट प्रोसेस फैब्रिक आपका खादी बनता है, उसके बाद आपके और गारमेंट्स तैयार होते हैं। तो इस आप लीलन में जाओ, किसी में भी जाओ, आपको कोई हर गारमेंट पे कम से कम एक स्टार्च का प्रोसेस करना पड़ता है, पर ये फैब्रिक ऐसा है जिसपे कोई प्रोसेस नहीं है, सिंगल स्टार्च प्रोसेस भी नहीं है। ड्यूअल सीजनल है, समर और विंटर में दोनों में पहना जाता है। आप समर में पहनोगे, आप 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हो तो आपको स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग ये एकदम ऑब्जर्व कर लेगा, पर बाहर के एटमोसफेयर से आपके बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री डाउन रखेगा, मतलब आप इसको नेचुरल एसी कह सकते हो। अगेन जब आप विंटर में इसे पहनोगे तो ये आपको बॉडी वार्म रखेगा आपके अकॉर्डिंग, इनफैक्ट हर इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि काम करता है। कॉटन है, कॉटन में इटसेल्फ एंटी बैक्टीरियल कंडक्ट होते हैं और ये डायरेक्ट कॉटन से बना है, सो वो कंडक्ट भी इसमें है, यानी आप में स्किन डिजीज है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा स्किन डिजीज आपके रेगुलर वेयर करने से। हरियाणा में एक्चुअली इसको खाली फैब्रिक बोला जाता है, बच्चा पैदा होता है तो पोतड़ा बोलते थे कि पोतड़े में बच्चे को ले ले, कारण ये था कि ये इतना ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी 100% परफेक्ट है। इसी सीरीज को आगे करते हुए हमने फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना इस बार काम शुरू किया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमने इस फैब्रिक के जब बेस जो हमें गुण समझ में आए कि ड्यूअल सीजनल है और कहीं पे भी कैसे भी कैरी कर सकते हैं, हमने लॉन्च किया है। हमने बेडशीट्स बनाए हैं, पिलो कवर हैं, पूरा टेबल क्लॉथ्स हैं, किचन मैट्स हैं, शेफ कोट बनाया है। स्पेशलिस्ट शेफ कोट हमने डिज़ाइन किया है कि उन्हें किचन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, सो स्वेटिंग होता है या कोई और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो पाता ना हो, उसकी वजह से हमने शेफ कोट को मेन फोकस में रखा है। फ्रंट ऑफिस का यूनिफॉर्म है, आपका स्टूअर्ड्स का यूनिफॉर्म है, सो इंक्लूडिंग फुटवेयर हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए इसमें डिज़ाइन किए हैं।